ग्वालियर में आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ मुहिम जारी है। आबकारी विभाग ने एक बार फिर भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में ग्वालियर में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया है। लिहाजा अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने मुहिम छेड़ रखी है। इसके तहत शहर में और ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब बनाने वालों और उसे बेचने वालों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आबकारी विभाग की टीम मोहना में कंजरों के डेरे पर पहुंची। यहां जमीन में प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर अवैध शराब रखी गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद आबकारी विभाग की टीम ने इस शराब को जब्त किया। मौके से अवैध शराब में उपयोग होने वाले 85,000 किलोग्राम गुड़ लहन जब्त कर इसे नष्ट किया गया। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जब्त की गई 1600 लीटर हाथ भट्टी मदरा, जिसकी कीमत 85 लाख रुपए बताई गई है, इसको भी नष्ट किया जा रहा है। आबकारी नियंत्रक मनीष द्विवेदी ने इसकी जानकारी दी। ये यहाँ से मोहना जो विकास खंड है उसमें वरसाना मोहल्ला है, वहाँ पर कंजरों की बस्ती है, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें 7 प्रकरण दर्ज किए गए। लगभग 85 लाख रुपए कीमत का गुड़ लहन और मदिरा वहाँ से जब्त और नष्ट किया गया। कितनी जगह पर कार्रवाई करी, 7 जगह कहाँ पे हैं? 7 जगह उसी बरसाना मोहल्ले, अलग अलग पॉइंट्स थे जहाँ पे कोई कृषि भूमि में था, कोई फॉरेस्ट लैंड थी, कोई किसी तरह का था, वहाँ पे अलग अलग कार्रवाई की। तो बनाते किस तरीके से, रखते कहाँ पे थे, कहाँ से पकड़े? ये एक शेडेड घेरा हुआ एरिया था, जो शायद फॉरेस्ट लैंड है या जो भी है वो एरिया था, उसमें ये लोग बाड़ा बना के, चारों तरफ बाड़ा बना के उसमें एक भट्टी नुमा गड्ढे बनाते हैं, फिर उसको भट्टी चला के वहाँ बनाते हैं से। और इसके अलावा कुछ ड्रम थे जो कि छुपे हुए थे उन्हीं जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, और कुछ ड्रम जमीन में भी मिले हमको जिसमें कच्ची शराब मिली। तो आरोपी वहाँ कोई पकड़ा है? वही हर बार की तरह वहाँ पे जो माइनर बच्चे और वो बुजुर्ग लोग, बहुत बुजुर्ग, बस वही लोग मिलते हैं और कोई नहीं।